अरविंद केजरीवाल खुद को जितना शातिर समझते थे, ईडी और सीबीआई उनसे दो कदम आगे निकली और देखते ही देखते जांच एजेंसीज ने केजरीवाल को धर दबोचा। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की जो दुर्गति हो रही है उसे देखकर भगवंत मान काफी सतर्क हो गए हैं। पंजाब के शराब नीति की तारीफ करने वाले राघव चड्ढा तो पहले से ही इंग्लैंड में जाकर बैठे हैं। राघव असल में दिल्ली में शराब घोटाला को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में भी उसी नीति को लागू कर दिया। उत्साह इतना था कि दिल्ली की सभी 32 जोन का लाइसेंस एक ही कंपनी को सौंप दिया गया। ठीक उसी तरह एक ही कुएं से सारा पानी पीने के चक्कर में पूरे पंजाब में शराब का ठेका भी एक ही कंपनी को थमा दिया गया। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, भगवंत मान ने उस कंपनी को फिर से L1 लाइसेंस देने से इनकार कर दिया, जबकि यही कंपनी पिछले 2 सालों से लाइसेंस प्राप्त करती थी। ये कंपनी एक्साइज विभाग से L1 लाइसेंस हासिल करने वाली एकमात्र कंपनी रही है, लेकिन इस साल कंपनी के लाइसेंस संबंधी आवेदन को रद्द करते हुए केवल यही कहा गया, चूँकि कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ CBI और ED की जांच चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि कथित शराब घोटाला को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जारी ED की जांच के मद्देनज़र पंजाब सरकार भी सतर्क हो गई है। दिल्ली सरकार द्वारा जो आबकारी नीति लागू की गई उसे ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार ने लागू किया था। दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली के 32 जोन्स के लिए L1 लाइसेंस केवल एक कंपनी को सौंपे थे। ठीक उसी तरह पंजाब सरकार ने भी एक ही कंपनी को पूरे राज्य में शराब की सप्लाई का उक्त लाइसेंस जारी किया। इस कंपनी ने बीते साल करीब 10,000 करोड़ रुपए की शराब राज्य में सप्लाई की। केवल एक कंपनी को लाइसेंस जारी करने के फैसले को सही ठहराते हुए राज्य के वित्त मंत्री भी ये दावा कर चुके हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पंजाब सरकार को शराब की बिक्री से 8,841 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था और 2023-24 के लिए राजस्व का ये लक्ष्य 10,145 करोड़ 95 लाख रुपए निर्धारित किया गया। पंजाब में शराब सप्लाई कर रही उक्त कंपनी द्वारा L1 लाइसेंस के लिए दोबारा किए गए आवेदन को पटियाला के एक्साइज उपायुक्त ने इस आधार पर रद्द कर दिया कि कंपनी के 2 निदेशकों बरिंदर पाल सिंह और अमनदीप सिंह ढल के खिलाफ CBI और ED की जांच चल रही है, इस कारण कंपनी को दोबारा L1 लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। पटियाला के एक्साइज उपायुक्त द्वारा इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया है और इसी कड़ी में ईडी ने बीते दिनों पंजाब में L1 लाइसेंस हासिल करने वाली उक्त कंपनी के अधिकारियों के घरों पर भी छापे मारे थे। ईडी की तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है कि कंपनी के अधिकारियों के घरों से उन्हें अहम दस्तावेज मिले हैं, जिससे ये पता चला कि लाइसेंस देने में 100 करोड़ की रिश्वत दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।